आप सभी को मेरा प्रणाम दुख परेशानी दूर करने के पूर्ण योग हमेशा शांत प्रसन्न चित्त से रहने के लिए प्रयत्न करना चाहिए इससे कष्ट परेशानी अपने आप निवारण होता है मैं दुर्बल हूँ कमजोर हूँ हीन भाव से कभी भी किसी को बोलना मत जिससे अपने आप की आत्म को वंचित और धोखा होता है पूर्ण योग में प्रकृति की दिव्यता सभी में एकता दिखती है साधन के कम स्तर में अहंकार भिन्नता दिखती है पूर्ण योग का चार सीढ़ी है गुरु का अर्थ अंतरंग में रहकर उत्तम मार्ग समय समय पर दिखाने वाले सदगुरु है शास्त्र एक पुस्तक नहीं है अंत शक्ति विवेक शक्ति जागृत कराने वाला एक दिव्य ज्ञान की शक्ति है देव सूर्य के पास जानने के लिए अंतरंग में परिशुद्ध होने से ही परिपूर्ण पथ में जाते हैं अच्छा विचार मन में उत्पन्न होता है तो उन्होंने साक्षात्कार मार्ग पर जा रहे हैं साधक के साधन से संयमन समाधान प्राप्त करके उसके हृदय में स्वर्ग के हर्ष और स्वभाव में नम्रता जीवन में निर्भयता होकर संशय रहित बुद्धि और शुद्ध विवेक ज्ञान से आत्मानुभूति प्राप्त होता है एक प्रार्थना मानव के अंत शक्ति सामर्थ्य बढ़ा के परात्पर शक्ति से जुड़ जाते हैं। आत्मचिंतन करके आत्मतत्व की शक्ति को जानने से अज्ञानता और प्रारब्ध नाश होता है मंत्र देवलोक के अनुभूति कराते हैं। इसमें उन्नत श्रेष्ठ जीवन के लिए भवतारक शक्ति है अपने स्वरूप में संतृप्ति दिखाई नहीं देती है तो बाहर जगत में तृप्ति संतृप्ति नहीं दिखाई देती है प्रतिक्षण हर समय असंतुष्ट से रहते हैं। अंत सुख किसी के पास नहीं उन व्यक्ति के लक्षण हमेशा पराई में दोष देखता है दूसरों को पीड़ा देते हैं मुझ पर हमें यशस्वी संतृप्ति आत्मविश्वास होंगे तो हर कार्य पर समर्पणा मनोभाव तृप्ति आत्मविश्वास के साथ जीतने के लिए उमंग उत्साह होना चाहिए हे भगवान हमें बहुकाल तक सूर्योदय देखते रहे और शरीर में प्राण मन आंके बलशाली हो ये सब चैतन्यमय हो हमें भक्ति से परिपूर्णता प्राप्त हो दाए हाथ से संपत्ति कमा के बाहे हाथ से दान भी करने वाले महादानी है इस धरती पर विशेष भक्ति दैवी विभूति का पात्र बनकर शाश्वत सत्य ज्योतिर्मय प्रकाश में रहते हैं। आज का विषय संपन्न हुआ